यार, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, शब्द, इनका बहुत बड़ा महत्व होता है लाइफ में। एक छोटा सा हाँ या ना सब कुछ बदल के रख देता है। बात तो तुम्हारी ठीक है। अच्छा, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम किसी हाँ या ना की वजह से तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज हो गई हो, पूरी तरीके से उलट पुलट, पूरी तरीके से जिंदगी झंड, तुम्हारी पसंद नापसंद कोई मायने नहीं रखती, तुम्हारे ना कोई यार दोस्त तुम्हारे संपर्क में है अब, और तुम्हारा सुख चैन एहसास तुम्हारा दिमाग सबकी माँ बहन एक हो जाए, ऐसा हुआ है? ऐसा किसके साथ होता है? ऐसा हुआ है किसके साथ हुआ है? तुम्हें याद है जब 10 साल पहले हम तुम्हें देखने आए थे, मैंने तुम्हें देखकर हाँ बोल दिया था। गलती तो मुझसे हुई थी जो तुम्हें ना नहीं बोला। सुनो, ये रात में इतने खर्राटे क्यों मार रहे हो तुम आजकल? अरे चलो, खर्राटे और मैं अपना काम करो। नहीं, चोर चोरी करके बोल देगा कि मैंने चोरी की है, लेकिन खर्राटे मारने वाला कभी नहीं बोलेगा कि मैंने खर्राटे मारे हैं। और एक बात बताओ, ये किस खुशी में फैन ऑन करके सो रहे तुम आजकल? फैन 2 नंबर पर चलाकर टांग कमर से बाहर करके सोने वाले दिन आ चुके हैं, बहुत मजा आता है भाई साहब, एक बार सो के देखना। नहीं, तुम्हारे मजे के चक्कर में ना मेरे बच्चे को कोल्ड हो गया ना, तो तुम्हारा कुचुम्बर निकाल दूंगी और मेरे भाई के पैसे लौटा दो। वो मांग नहीं रहा ना तो भूल के बैठ गए हो तुम। पैसे भी देने हैं उसके, कुछ होश है? तुम्हें शायद एक बात नहीं पता, याददाश्त ना इंसान की सिर्फ हादसों के बाद नहीं जाती, उधार लेने के बाद भी चली जाती है। बिना सिर पैर के बेवकूफी वाली बातें करने आती हैं, बिल्कुल हद कर रखी है। एक माँ अपने बेटे को ना 25-30 साल में पढ़ा लिखा कर, पाल पोस कर एक अच्छा आदमी, एक अच्छा इंसान बनाती है। उसी आदमी को एक औरत उसके जीवन में आती है, 2-4 साल में ही उसका बेवकूफ पागल बना देती है, वो तो फिर मूर्ख वाली बातें करेगा ही ना। बहुत बुरा हो तुम, बस कर दो, बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ। अरे मजाक कर रहा हूँ। तो आदमी ने ना दिमाग सड़ा के रख रखा है। यार सब कहते हैं कानून अंधा होता है, आज मुझे इसका प्रूफ मिल गया। वो कैसे? अब देखो, अगर हमारे आंगन बरामदे या बगीचे में से सोना चांदी हीरे जवाहरात खजाने का बक्सा या फिर तेल निकले तो वो सरकार का। ये क्या बात हुई? हाँ, और अगर अफीम गांजा चरस ये सब निकले तो वो हमारा। हो गया ना अंधा कानून। अच्छा मैं क्या सोच रहा हूँ यार, अपनी 10th एनिवर्सरी आ रही है तो थोड़ा फिटनेस पे ध्यान दे लेता हूँ, जैसे शादी से पहले था ना एकदम फिट, वही वाली फिटनेस रीगेन कर लेता हूँ, क्या कहती हो? क्या बात है, वैसे कर लोगे तुम? हाँ कर लूंगा, शुरू करता हूँ, मैं जिम जाता हूँ आज। चलो सही है। अच्छा यार, मुझे भी कुछ करना पड़ेगा ना। अरे तुम्हें क्या जरूरत है यार, भगवान की कृपा से यार तुम बिल्कुल वैसी की वैसी हो, वही खूबसूरती, 1 इंच भी इधर से इधर नहीं है एकदम। नहीं यार, मुझे भी बताओ ना मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज बताओ ना यार, मेरा भी मन है। चलो ठीक है, तुम मेरा खून थोड़ा कम पीना शुरू कर देना, ठीक है? चलो ठीक है। वो कौन सी जोड़ी है जो एक दूसरे को हीरो हीरोइन मानते हैं? हमारी जोड़ी तो अघोरी और नागिन की है, हमेशा एक दूसरे को बस में करने के लिए लगे रहते हैं। शादी से पहले पतिदेव फोन करते थे कि डियर तुम बोलती रहो, मैं बस तुम्हें सुनना चाहता हूँ। और शादी के बाद बोलते हैं बस तुम चुपचाप रहो, तुम्हारी एक आवाज मैं सुनना नहीं चाहता। हमारे बैंक में इतने पैसा है भैया के, हमने क्या बताएं? क्या बात है, देखो यार मैं कहता हूँ कि जाके कुछ पैसे निकाल लाते, मेरे पास कुछ इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं, सम प्लान, सम बिजनेस आइडियाज। नहीं, निकाल नहीं सकत। क्यों? काहे कि बैंक में है, हमारे अकाउंट में थोड़ी ना है।